सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि आपको पता ही है कि राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर बना नीलम अस्पताल लोगों की काफी वर्षों से सेवा करता आ रहा है और समय समय पर नीलम अस्पताल की ओर से गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए मुफ्त मेडिकल चेकअप कैंप आदि का आयोजन भी किया जाता है। इससे पहले डॉक्टर नीलम बंसल व डॉक्टर प्रेमराज जी द्वारा काफी लंबे समय से राजपुरा के गोविंद कॉलोनी में बने नीलम अस्पताल में लोगों की सेवा की गई। वह समय के बदलने व बीमारियों के दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण अब डॉक्टर नीलम बंसल, डॉक्टर प्रेमराज, डॉक्टर नितिन गुप्ता, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर रोहित अग्रवाल सहित कई बीमारियों के माहिर डॉक्टरों की टीम अब राजपुरा चंडीगढ़ रोड पर बने नीलम अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके चलते आज नीलम अस्पताल में वुमेन डे के संबंध में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पत्रकारों को संबोधित करते हुए डॉक्टर नितिन गुप्ता, डॉक्टर शिखा गुप्ता, डॉक्टर नीलम बंसल व डॉक्टर प्रेमराज जी ने जहां महिलाओं को वुमेन डे पर बधाई दी, वहीं उन्होंने महिलाओं में गुर्दों व अन्य बीमारियों से कैसे बचा जाए उसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आपको जैसे मालूम है आज दो स्पेशल ओकेजन इकट्ठे पड़ रहे थे, एक है वर्ल्ड किडनी डे, एक है इंटरनेशनल वुमेन डे। तो इंटरनेशनली इस डे को मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बिकॉज नीलम हॉस्पिटल हमेशा से कोशिश करता रहा है कि हर हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको एड्रेस करें। आज तो वर्ल्ड किडनी डे और इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में हमारी पूरी टीम आपके सामने है। हमारे पास डॉक्टर नितिन हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट हैं, ट्रांसप्लांट भी करते रहे हैं और डायलिसिस यूनिट अब हमारा रन हो रहा है, विच इज स्टेट ऑफ द आर्ट वेल बेडेड है। बाकी डिटेल्स डॉक्टर नितिन समझाएंगे। और वुमेन डे के लिए हमारा जो गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक यूनिट है उसमें हमने इनफर्टिलिटी भी है, आईवीएफ यूनिट चल रहा है, जेनेटिक यूनिट है जो डॉक्टर गौरिका देखते हैं। तो इस तरह से हमने कोशिश की है कि वुमेन हेल्थ को प्रमोट करें। सिरो डिजीजेस नहीं, प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए हमने डाइटिशियन है, फिजियोथेरेपी है, मैडम, ये वुमेन डे के मौके पे आज आपने कोई वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए कोई खास हॉस्पिटल की तरफ से कोई फैसिलिटी दी है, कोई फ्री कोई किसी भी चीज का चेकअप या कुछ भी? आज हम जो हमारी लेडीज आ रही है उनको डाइट और एक्सरसाइज हम फ्री में आज कंसल्टेशन दे रहे हैं, जो अपनी ट्रीटमेंट में मेडिसिन मतलब फ्री लेना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे प्रेस पे बोलना बड़ा अच्छा लगता है कि हम फ्री कर रहे हैं, फ्री वो कर रहे हैं, तो क्वालिटी केयर पे हमेशा एम्फोसिस रहा है। बाकी पुअर पेशेंट्स आते हैं उनको हमेशा से वैसे भी डिस्काउंट, कोई बहुत पुअर है तो फ्री में हमेशा ही हम करते हैं, नॉट ओनली ऑन वुमेन डे अदरवाइज ऑल्सो। लेकिन आज हम स्पेशल डाइट एंड एक्सरसाइज फ्री में सबको कंसल्टेशन करवा रहे हैं। तो बर्थडे आज परम डे, एक वुमेन्स डे और एक किडनी डे, आज ये दोनों इकट्ठे इको दिन सेलिब्रेट हो रहे हैं। ये दिन की महत्वता की है, हर दिन की साल च महत्वता है कि आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करिए, उस प्रॉब्लम बारे लोगों का जागरूकता क्रिएट करिए ताकि वो आगे आके उन्हें ठीक करा और उसके इलाज बारे जी जरूरत इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त करें। लेडीज की प्रॉब्लम का की इशू है कि वुमन डे का मतलब है कि लेडीज की एम्पावरमेंट, जो लेडीज टाइम नाल लग रहे हैं पीछे रह गए उन्होंने असं अगे लग जाइए, जो जो मसले जो पीछे रह गए उन्होंने सहायता मिले जो अगे आ, चाहे वो नौकरियों चाहे चाहे रोजगार चाहे चाहे घर के कामकाज चाहे, इसी तरह लेडीज की बीमारियां ये आप समाज आम देखते हैं कि एक जिहड़ा आदमी है वो बड़े वधिया ट्रीटमेंट कराता है और लेडीज अपने ट्रीटमेंट को हमेशा पीछे रह जाती है। स्पेशली किडनी दी प्रॉब्लम, जिन्हां किडनी दी प्रॉब्लम आदमियों को ने उन्नियां ही औरतों को, बट आदमी जिहड़े हैगे ने अपना इलाज करा लैंदे ने पर घर दी औरतां इलाज दे विच पिछे रह जांदियां। अज दे दिन दी इह महत्वता ही है कि जिहड़ियां लेडीज दे विच किडनी दी प्रॉब्लमां ने असीं समाज नूं उन्हां बारे जागरूक करिए, इस करके ताकि उन्होंने असीं टाइमली ट्रीट करिए जिहदे नाल साडियां किडनियां खराब होण तों बच जाण, और जिन्हां लेडीज दी किडनियां खराब ने उन्होंने टाइमली डायलिसिस की फैसिलिटी मिल जाए।
ਆਦਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8ਵਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਿਊ ਦਾ। 8th ਰੀਜ਼ਨ ਫੋਰ ਡੈਥ ਇਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਜ਼ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਫੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੇਡੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਵਧੇ ਔਰ ਉਹ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਖਰ ਨੇ ਜੈਸੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਹੀ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਗੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜੋ ਵੂਮੈਨ ਕੀ ਹੈਲਥ ਪੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਕਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਡਾਇਟ ਪੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ, ਉਹ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਿਡਨੀ ਨੇ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 2, ਸਿਮਿਲਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਲਿਵਰ ਨੇ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਕੱਢਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਡਨੀ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਓ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੀਓ, ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਓ, ਖਾਓ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਖਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਨਿਊਜ਼ 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद।